सो आज हम बनाएंगे खट्टी दाल। इस प्रिपरेशन के लिए हम पहले लेंगे 1 कप ऑफ दाल। हम इसको वॉश करके हाफ एन आवर के लिए सोक कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अबाउट 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक, और हम इसको प्रेशर कुक करेंगे फॉर 4-5 विजल। अभी हमें रेस्ट ऑफ द जब तक हमारी दाल गल ना जाए हम लोग वेजिटेबल्स रेडी कर लेंगे। हमें चाहिए आधा बॉटल गार्ड, आधा कद्दू, 2 टमाटर, और एक अलग से बॉल में हम थोड़ी सी इमली भिगाते साइड। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसके बीन्च निकाल लें, जो कद्दू के बीन्च होते हैं। तो आप ऐसे इसको हाथ से इसको निकाल लें। ये रेडी हो गए हमारे चॉप टोमेटोज एंड कद्दू। देखिए, मेक श्योर दैट यू कट इट डायगोनली बिकॉज दिस इज व्हाट ये शेप हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कट इट लाइक दिस। ये प्रेशर कुक हो चुका है, प्रेशर कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। इसको हाई फ्लेम पे कर लें। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून एक्चुअली, 2 चम्मच मिर्च। हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए सिमर होने देंगे। सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू। इसको मिक्स कर ले। हम इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस 1 विजल हम इसको लगाएंगे। विल जस्ट प्रेशर कुक इट ओनली फॉर 1 विजल। ये 1 सीटी के लिए प्रेशर कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टैमरिंड जूस। को हम 5 से 6 मिनट के लिए सिमर करेंगे। हमारी खट्टी दाल जो है सिमर पे है। अभी इसके साथ हम तैयार करेंगे हमारा तड़का। तड़के के लिए आपको चाहिए 1/2 टीस्पून ऑफ ऑयल, अबाउट 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, 2 to 3 गार्लिक चॉप्ड, 1 करी लीव्स भी ऐड करते हैं। अभी मेरे पास करी लीव्स नहीं है तो हम वो स्टेप नहीं करेंगे। वंस दिस इज गोल्डन ब्राउन हम इस तड़के को दाल में ऐड कर देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 सूखी मिर्च। तो अभी ये लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हमारी मिर्ची भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको हमारे दाल में ऐड कर देंगे। इसको धीरे से मिक्स कर लें और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे सिमर करेंगे और हमारा प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा। मैं इसको डिश आउट करके बताऊंगी कि हमारी खट्टी दाल कैसी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।